उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं पर अब यूपी सरकार कार्रवाई करेगी। राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाने पर जोर दिया जा रहा और कार्ड बनाने में जनपद प्रदेश में 30वें पायदान पर है। शासन से इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और इस कारण जिलाधिकारी भी प्रतिदिन फरुखाबाद में कार्ड बनाने की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रहे और फरुखाबाद में कार्ड बनाने का दबाव होने पर राजेपुर ब्लॉक की कुछ आशा कार्यकर्ता फर्जी रिपोर्टिंग कर रही है। मामला पकड़ में आने पर उन्हें चेतावनी दी गई है। वही पंचायत सहायक वार्ड बनाने में सहयोग नहीं कर रहे, इस वजह से लाभार्थियों के कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया गया था और इसके लिए लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने पर जोर राज्य में दिया जा रहा। पंचायत सहायकों और आशा कार्यकर्ताओं को कार्ड बनाने के आदेश दिए गए थे, इसके बावजूद राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थिति पटरी पर नहीं आ पा रही है। प्रदेश में जनपद 30वें स्थान पर है और इस कारण अधिक से अधिक कार्ड बनाने को कहा जा रहा। पंचायत सहायक भी कार्ड बनाने में सहयोग नहीं कर रहे और इस पर राजेपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी को पत्र लिखा गया है। आयुष्मान भारत के कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर अमित मिश्रा ने बताया कि 6,61,453 के सापेक्ष 4,54,000 लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं और अब विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान लाभार्थियों की घटती संख्या को लेकर राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर सकती है। दबाव पड़ने पर राजेपुर ब्लॉक की 4 आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए ग्रुप्स पर पूर्व में बनाए गए आयुष्मान कार्ड की फोटो डाल दी थी और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा इन्हीं कार्ड की फोटो बार बार डाली जा रही है ताकि अधिकारी ये समझे कि वो लगातार कार्ड बना रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। राजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी ने इस मामले को पकड़ लिया है और संबंधित आशा कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर नाराजगी जताई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रतिदिन आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे, किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।